नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दूध से बिल्कुल शुद्ध और स्पेशल मिठाई कैसे बनाते हैं ये बताने वाली हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए। दोस्तों, एक बार मावा या खोवा की बर्फी आप मेरे तरीके से बना कर देखें, उसके बाद आप जरूर कहेंगे कि शुद्ध बर्फी कितनी स्वादिष्ट और टेस्ट में आपको इसकी शुद्धता का अलग ही एहसास होगा। दोस्तों, हमेशा मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो भी रेसिपी बनाऊं बहुत ही आसान हो और घर में उपलब्ध चीजों से बन जाए। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी वीडियोस इस तरह के ला पाऊं। यदि आपको गुलाब जामुन का वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए खोया की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। आधा केजी मावा या खोया की बर्फी बनाने के लिए चाहिए 2 लीटर दूध, करीब 40 ग्राम पिसी हुई चीनी या बूरा, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 8 से 10 बूंद नींबू का रस। दूध को कढ़ाई में लें और इसे उबालें। आप गैस का फ्लेम फुल पे रखें क्योंकि दूध को अच्छे से उबालना है, और चम्मच से दूध को चलाएं बीच बीच में, जिससे दूध कढ़ाई में नीचे से ना बैठे। आप कोई भी कढ़ाई का यूज कर सकते हैं मिठाई बनाने के लिए, नॉन स्टिक लोहे की कढ़ाई या फिर एल्यूमिनियम की, लेकिन स्टील की कढ़ाई यूज ना करें क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम बनती है, नीचे से दूध जल जाता है स्टील की कढ़ाई में। बीच बीच में चम्मच से चलाते रहें आप। जब दूध उबल जाता है तो गैस का फ्लेम मीडियम कर लें जिससे दूध कढ़ाई से ना गिरे। यदि आप कुछ काम में बिजी हैं और दूध उबल रहा है, आप दूध को नहीं देख पा रहे हैं कंटिन्यू, तो गैस का फ्लेम स्लो कर दें और दूध में चम्मच डालकर छोड़ दें। चम्मच डालने से दूध कढ़ाई से नीचे नहीं गिरता है, इस बात का आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है, बस इसमें दूध को औटाने में ही टाइम लगता है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उबलते उबलते ये दूध कम होते जा रहा है, जल्दी उबालने के लिए फुल फ्लेम पे गैस को रखें और कंटिन्यू चलाते रहें तो दूध जल्दी औट जाता है। उबलते उबलते इसका कलर हल्का ब्राउन हो जाता है। ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। जब ये गाढ़ा हो जाता है तो इस तरीके से इसमें बीच बीच में बुलबुले बनते हैं। इसमें 8 से 10 बूंद नींबू का रस ऐड करें। नींबू का रस डालने से ये थोड़ा रवेदार बनता है। इससे ज़्यादा नींबू का रस यूज ना करें, नहीं तो दूध फट सकता है। गैस का फ्लेम स्लो में रखें और इसे चलाएं। देखिए, देखने में समझ में आ रहा होगा आपको, ये थोड़ा रवेदार बना है। इसमें 40 ग्राम के करीब चीनी ऐड कर दें। चीनी यहाँ जिस क्वांटिटी में यूज किया है, इससे मिठाई बहुत ही टेस्टी बनेगी और ज़्यादा मीठी भी नहीं लगेगी खाने में। इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें आप। इस मिठाई को सभी लोग खा सकते हैं, जिन्हें शुगर प्रॉब्लम है वो भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्मॉल क्वांटिटी में शुगर यूज कर रहे हैं। यदि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर यूज करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे अभी 2 से 3 मिनट और पकाएं, चम्मच से चलाते रहें इसे। रियली बहुत ही आसान है इसे बनाना। फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई करें। इसे ज़्यादा देर तक पकाना होता है इस तरह। ये देखिए, कढ़ाई से बिल्कुल अलग होने लगा है। अब गैस ऑफ कर दें और जिस भी प्लेट में आपको शेप देना है उसमें पलट लें। इसे ज़्यादा देर तक इसलिए पकाना होता है क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा कम है। इसे अच्छे से फैला लें इस तरह से। हमारी मिठाई बनकर तैयार है। इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें जिससे ये जम जाए। 3 से 4 घंटे बाद इसे फ्रिज से निकाला, ये मिठाई बनकर तैयार है। अब इसे कट कर लें, पीस पीस काट के निकाल लें।
ये देखिए स्पेशल और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।